लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दीवाने आए तुमको सुनाने आए मालिक। ओम साई नाथाय नमः। साई भक्त, साई की भक्ति यात्रा में आवश्यकता केवल सच्चे विश्वास और भावना की। जो भी सच्चे मन से बाबा के पास जाता है, बाबा उसको अपनाने में देर नहीं करते। तेरे गांव में बाबा तेरी छांव में छाया है तेरी श्रद्धा का मेला। देख तेरे गांव में बाबा तेरी छांव में छाया है तेरी श्रद्धा का मेला। ओम साईं देवा, ओम साईं देवा, ओम साईं देवा, ओम साईं, ओम साईं। सुबह तुम्हारी भक्ति देखकर दिन भर मन प्रसन्न रहता है। बाबूजी, काश आपके बेटे इस बात को समझ पाते। मुझे विश्वास है बेटी कि एक दिन तुम उसे जरूर पलट दोगी। मैं तो कब से कोशिश कर रही हूँ बाबूजी, लेकिन नहीं बदल पाई। शायद मेरी साई की यही इच्छा है और उनकी इच्छा से ही ये संसार चलता है। हाँ, जब मेरे बाबा की इच्छा होगी तो वो जरूर बदल जाएगी। ठीक कहती हो। आज का क्या प्रोग्राम है? चलो शतरंज की एक एक बाजी हो जाए। हो जाए बड़े पापा। हाँ। मगर ये बार भी आपको आराम का। हाँ। पर उससे पहले मम्मी पापा की नोकझोंक सुन जाए। हाँ, ये तो बात सही है। आओ चलो, आओ। लीजिए। तृप्ति, तुम
पिछले 15 सालों से ये कोशिश कर रही हो कि मैं तुम्हारे इस अंधविश्वास में शामिल हो जाऊं, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे मानस और बाबूजी को तो है। कभी हमारी आस्था के लिए, आस्था या दिखावा, मिट्टी की मूर्ति के आगे घंटे घड़ियाल बजाने को तुम आस्था कहती हो, और मैं अपनी आस्था जरूरतमंदों की मदद करके पूरी करता हूँ। हाँ, भक्ति का एक तरीका ये भी है, लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा कि जिनकी आप सहायता कर रहे हैं उन्हें आपकी सहायता की जरूरत है भी या नहीं। स्टॉप इट भक्ति, मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। बेटा मान ले, बहू तो तुम्हें भगवान की भक्ति का रास्ता दिखाना चाहती। पाया लगूंगा मुझे। खुश रहो बेटा, बस एक आप ही की कमी थी। ससुर और बहू की ऐसी केमिस्ट्री ना कहीं देखी और ना कहीं पढ़ी। बहू ने कुछ कहा नहीं और ससुर जी शुरू। समझने की कोशिश करो बेटा। अरे हम पराई लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाते हैं। मायके का प्यार उसे ना मिले तो ससुराल में उसका मन कैसे लगेगा। आगे से अब हर बार मैं बाबूजी के सामने ही किया करूंगी, ताकि आप मुझे कुछ ज्यादा ना बोल पाए। अरे आप ऑफिस जल्दी जाइए, वरना आपके बॉस कुछ ज्यादा ही बोलेंगे आपको। हाँ, चलता हूँ। चलिए बड़े पापा, सतरंज की विसात पर। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अरे पहले नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं बहू, नाश्ता वही भिजवा देना, मुझे कल की हार का बदला ले चुकाना है यार। बड़े पापा, आज आपने मेरे साथ चीटिंग खाई है, दोनों गेम हरा दिया। मतलब ये कि तुम जीतो तो ईमानदारी और मैं जीतूं तो चीटिंग। अरे वाह, ये भी कोई बात हुई। बड़े का छोटे का हराओगे तो ये बात होगी ना बड़े पापा। आज तुम कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखा रहे थे। अरे ये मतलब तुमने अपना घोड़ा पिटवा दिया है? अरे बेटा, शतरंज जो है ना, दिमाग का खेल है, दिमाग का। बड़ा भी दिमाग हटा कि हार। अच्छा छोड़ो, चलो हम दोनों मिलकर पतंग उड़ाते हैं। चलो ठीक है ना, आज पतंगबाजी होगी, होगी ना। हाँ तो चलो ले उड़ाओ तुम अपनी पहले। मम्मी मुझे बुला रही है, मैं अभी आया। ठीक है तू जा, मैं देखता हूँ। मानस! साईं बाबा मेरे बेटे की रक्षा करना, साईं बाबा मेरे बेटे की रक्षा करना। अल्लाह मान। हाँ बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ मेरे मानस की रक्षा करना पापा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ओम श्री साई नाथाय नमः।
बड़े पापा, बड़े पापा। बाबूजी, बाबा ने हमारे मानस की रक्षा की। मानस बिल्कुल ठीक है। अरे बेटे, बिल्कुल ठीक है। मानस, 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 बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ पापा, बिल्कुल ठीक हो। ऊपर से गिरने पर भी मानस को एक खरोच तक नहीं आई। आज तो बाबा ने हमारे मानस को अपनी बाहों में ले लिया। ओहो तृप्ति, तुम्हारे साईं बाबा फिर बीच में आ गए। पहले ये बताओ, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? डॉक्टर को दिखा कर ही आ रही हूँ। और उन्होंने मानस का कंप्लीट एग्जामिनेशन करने के बाद कहा कि ये दैवी चमत्कार है। तो आपको भी बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तृप्ति, मतलब मानस को चोट नहीं आई, ये बाबा की कृपा है। लेकिन ये जो गिर पड़ा, ये किसकी बुरी नजर थी? पापा, जब मैं सीढ़ियों से गिर रहा था तो मुझे ऐसा लगा किसने मुझे गोद में उठा लिया। तो बाबा ही थे पापा, शायद बाबा ने मुझे बचाया। मानस बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ अपनी तरह तुमको भी पागल बना दी। क्या, इतने बड़े चमत्कार के बाद भी आप बाबा की कृपा मानने को तैयार नहीं है? लीव दिस टॉपिक तृप्ति, मैं जब तक साईं बाबा का चमत्कार अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। अरविंद, तो क्या बाबा अपनी कृपा दिखाने के लिए खुद चलकर यहाँ आएंगे? मैं कब कहता हूँ बाबूजी कि वो यहाँ आए, मगर मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। ना मैंने पहले विश्वास किया था और ना ही अब करूंगा। मेरी भक्ति, मेरा विश्वास, एक दिन तुमको साई की शक्ति मानने पर विवश कर देगा। बाबा, बाबा आपको अपनी परम दिव्य शक्ति का आभास जरूर करवाएंगे। मेरा विश्वास बनाए रखना साई, मेरा विश्वास बनाए रखना। मैं चमत्कार दिखाने के लिए भक्तों पर कृपा नहीं करता, उनकी सच्ची पुकार और जरूरत देखकर भागा चला आता। भक्तों की रक्षा करते वक्त मैं ये नहीं सोचता कि चोट मेरे भक्त को लग रही है या मेरे बदन। मैं मानवेंद्र जैसे सोचने वालों की फिक्र नहीं करता जो सच्चाई की राह पर चलते। मालिक ने जिसे इंसान का चोला देकर इस दुनिया में भेजा है, वो किसी की पूजा भक्ति करे या न करे, वो मेरा भक्त है, उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। अल्लाह मालिक। बड़े पापा, पतंग उड़ाने के बाद मन कर रहा है बड़े पापा, ठंडे है ना? ठंडे है, ठंडे है ना? अरे भूल गया, उस दिन सीढ़ियों से जब तू पतंग बनकर उड़ा था ना, कैसे गिरा था, तब से तेरे पापा ने पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। बस अब तो चेस ही खेलना पड़ेगा बेटा। हाँ, कोई और गेम जानते हो तो बताओ। अब कहिए ना पापा को, वो आपकी बात मानेंगे। पापा से कहिए ना। ना बाबा ना, मैं तेरे पापा से कुछ भी ना कहूँगा। हाँ ठीक है, फिर चेस ही खेलते हैं। तो फिर हो जाए शतरंज। तृप्ति, तृप्ति, क्या हुआ? क्या बना रही हूँ खाने में? जो आपका खाने का मन हो। मेरा खाने का मन, आज तो खिचड़ी खाने का दिल हो रहा है। खिचड़ी चलेगी ना बाबूजी? हाँ चलेगी, लेकिन बहू मेरी इच्छा है कि तहरी बनाओ। जी बाबूजी। ये पीटिया चेक और ये मेट, आपका राजा गया। है?
और मैं जीत गया, फिर से हार गए। अरे तूने जरूर कोई ना कोई चीटिंग की है। नहीं मैंने चीटिंग नहीं की है। की है चीटिंग? नहीं की है। तुम ये कैसे हो गया? तृप्ति हो गया क्या? बस हो गया। अरे कितनी देर से कह रही है हो गया हो गया, बहुत भूख लग रही है भाई। आइए ना पापा, हमारे साथ एक गेम खेलिए ना। अरे नहीं बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। तुम भी आ जाओ अब खाने के लिए। चलिए। बहुत भूख लग रही है भाई। हाँ बस लाई। ये तुम्हारी खिचड़ी नहीं, बीरबल की खिचड़ी हो गई। हाँ आई बस। अरे जल्दी करो ना। जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिएगा। मैं नहीं गया डॉक्टर। मानस पानी लेकर, पानी लेकर। मानस नहीं होता कि आपके ऊपर इतनी गरम गरम खिचड़ी गिरी और आपके शरीर पे जलने का कोई निशान नहीं है। अनबिलीवेबल। बाबा ने मेरी रक्षा की। चमत्कार साहेब चमत्कार। बाबा बाबू से माफ कर दो बाबा, मैं भागा आज तक केवल आपको मिट्टी की मूर्ति समझता रहा, मगर आप सचमुच कैसा ही हो। तृप्ति तुम ठीक कह रही थी, तुम्हारे साईं बाबा मेरे साईं बाबा सचमुच के साईं हैं। मुझे माफ कर दो साईं बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साईं बाबा, मुझे माफ कर दो। बाबा मेरे वचन की रक्षा के लिए आपने इन्हें चमत्कार दिखा ही दिया ना। आपकी जय हो बाबा, आपकी जय हो। बोलिए साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। अगर आप, आपका परिवार, अड़ोस पड़ोस या ऐसे किसी भी साईं भक्त के साथ बाबा की कृपा हुई हो तो हमें लिख के जरूर भेजिएगा, हम उसको इस धारावाहिक में शूट करके आपको प्रस्तुत करेंगे। हमारा पता है शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 17517, मोतीलाल नगर नंबर 1, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई 400104।
और तुम्हारी पूजा तब तक नहीं करूंगा जब तक वो धोखेबाजों को सजा नहीं देता।